हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। सो गाइस, अदानी ग्रुप में रिसेंटली एक बड़ी गिरावट होती है, एक न्यूज़ आती है, फिर क्लैरिफिकेशन भी होता है, स्टॉक्स अगेन रॉकेट बनते हैं। बट अभी की बात की जाए तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे अभी रुक भी चुके हैं, तो कुछ स्टॉक्स अभी के टाइम जंप भी कर रहे हैं। आज भी कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी दिखी है ग्रुप की कंपनीज में, बट कुछ स्टॉक्स यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये तेज़ी यहाँ पे रुक जाएगी? आगे के लिए क्या व्यू रहेगा मेरा, वो भी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे अभी के टाइम न्यूज़ क्या चल रही है वो भी देखेंगे। सेबी की तरफ से आज एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, अदानी ग्रुप एंड सेबी से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको भी इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से रहने वाला है, मेरी तरफ से कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी हमें बनते हुए नज़र आती है। 180 पॉइंट मार्केट यहाँ पे जंप कर देता है। अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर निकलता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी चेंज होते हुए नज़र आएगा, एंड एक पैटर्न भी बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो वो भी हमारे लिए एक बेटर चीज़ है। सबसे पहले अगर बात की जाए अदानी ग्रीन, नॉर्मली मॉर्निंग के टाइम 3% का अपसाइड मूवमेंट देके 1% नेगेटिव में क्लोजिंग दिखा देता है। एनर्जी सॉल्यूशन थोड़ा प्रेशर में रहता है। देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 60% ये जंप कर चुका है। देखा जाए तो नॉर्मली यहाँ पर किसी ने मान लो हाई पे लिया, जैसे 1400-1300 के लेवल पर लिया हुआ है, तो चलो उनका तो रिकवर हुआ है, बट जिन लोगों ने लो पे लिया तो उनको तो 60% मिला ही। अब जब 60% तक के रिटर्न्स मिले हैं तो वो तो प्रॉफिट को बुक करेंगे, तो इसी वजह से नॉर्मली हमें एक प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ रही है। यहाँ पर एनर्जी सॉल्यूशन भी थोड़ा प्रेशर में, पावर में भी हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। अदानी विलमार की बात की जाए, नॉर्मली थोड़ा सा 1% अप में भी है। ATGL, जैसे मैंने आपको बोला था दोस्तों लास्ट जो वीडियो, एक ही अपडेट दिया था कि ATGL अगर आपके पास है तो इसको इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हो, ये एक बढ़िया चीज़ हमारे लिए रह सकती है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा था कि ATGL जब अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1000 और 1100 के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा था तो ATGL डे बाई डे धीरे धीरे करके डाउन हो रहा था। तो ATGL में थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेरा व्यू यही था कि इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जब ATGL 840 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा था उस दिन मैंने आपको अपडेट दिया था, एंड वहाँ से अभी अगर देखा जाए तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अगेन ATGL से ऊपर जा चुका है, एंड ATGL अगेन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से नीचे आ चुका है। अगर बात की जाए एंटरप्राइजेस की, अच्छी खासी तेजी हमें बनते हुए नज़र आ रही है। अदानी पोर्ट आज अच्छा परफॉर्म किया, 6-7% का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अंबुजा में बड़ी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी दोस्तों अपडेट दिया था जब बड़ी गिरावट हुई थी। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21 नवंबर को मैंने अपडेट दिया था जब मार्केट में अदानी ग्रुप के शेयर बुरी तरीके से गिर रहे थे। पहला तो अपना अंबुजा सीमेंट, जहाँ पे 488 रुपये के लेवल्स पे अपडेट दिया। अदानी पावर 456 रुपये के लेवल्स पे बताया था कि यहाँ से हर बड़ी गिरावट में ऐड किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से चीज़ें बेटर है। वही अदानी पावर आज 10-12 दिनों के अंदर 550 रुपये 580 रुपये के लेवल्स को भी टच किया। अंबुजा सीमेंट आज आप देख ही सकते हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-15% 20% तक के रिटर्न्स हमें दिखा चुका है। सो गाइस, टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है, आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। अभी टेक्निकल हम थोड़ा बाद में देखेंगे, सबसे पहले अभी के टाइम जो बड़ी न्यूज है उसको हम कवर कर लेते हैं। सो गाइस, जो बड़े इन्वेस्टर्स है मार्क मोबियस, उनकी तरफ से एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। मार्क मोबियस का ये कहना है कि अदानी के खिलाफ अमेरिकी विभाग का कदम तुच्छ, ट्रम्प की वापसी से इसका इसमें यहाँ पर सुधार होगा। तो ये यहाँ पे मार्क मोबियस, जो कि दोस्तों यहाँ पर एक बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी को यहाँ पे हैंडल करते हैं, तो इनका ये कहना है कि जब ट्रम्प की वापसी होगी तो ये जो यहाँ पे आरोप है ये सारे जो है ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, ये ओवरऑल इनका यहाँ पर कहना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अदानी ग्रुप में इन आरोपों में ट्रम्प की वापसी से ऑलमोस्ट यहाँ पे सुधार होते हुए नज़र आएगा, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे लिए प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल से रिलेटेड एक रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। बर्नस्टीन की तरफ से यहाँ पर एक रिपोर्ट हमें नज़र आ रही है। अमेरिकी शोध फर्म बर्नस्टीन का कहना है कि अदानी समूह अब हिंडनबर्ग हमले के समय की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो बेटर चीज़ें हैं। बर्नस्टीन की रिपोर्ट में हमें यह नज़र आ रहा है कि वह पिछले 2 वर्षों में समूह के उत्तोलन, शेयर गिरवी, ऋण चुकौती और स्पिक्स मूल्यांकन के विकास पर एक शीर्ष स्तरीय दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है, ताकि यहां आंकलन किया जा सके कि जोखिम पहले की तुलना में कम है या नहीं। जिसमें इन्होंने बताया है कि पहले के मुकाबले प्रमोटर्स की जो प्लेज होल्डिंग है वो भी कम हुई है, उसी के साथ साथ डेप्ट भी कम हुआ है और रेवेन्यू प्लस कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं ग्रुप के। तो इस बेसिस पे यहाँ पे जिस टाइम हिंडनबर्ग का हमला हुआ था उस टाइम
से अगर अभी के टाइम देखा जाए तो चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर जो है ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बहुत बड़े लेवल पे ग्रुप में मजबूती होते हुए नजर आ रही है। ये रिपोर्ट भी हमारे लिए एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है दोस्तों सेबी से रिलेटेड। सेबी से रिलेटेड एक अपडेट हमें देखने को मिल रही है। सेबी ने दोस्तों रिसेंटली, आपको याद होगा कि अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज को, जैसे अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, कुछ कंपनीज को यहाँ पे कारण बताओ नोटिस भेजा था। अदानी की कंपनियों ने सेबी को कारण बताओ नोटिस के जवाब में निपटान के लिए आवेदन किया है। सो गाइज, यहाँ पे सेबी ने अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज को कारण बताओ नोटिस भेजा था। उस नोटिस में ये बताया गया था कि आपके ग्रुप में 75%, देखिए सेबी का रूल क्या है, सेबी का रूल ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे सेबी को ये शक था कि अदानी ग्रुप में यहाँ पर 75% प्रोमोटर्स की तो है, बट जो FIs वाले हैं उसमें भी यहाँ पे अदानी ग्रुप की कुछ सेल कंपनियाँ ही इसमें FIs की होल्डिंग यहाँ पे रखती है। इसका मतलब ये है कि प्रोमोटर्स के पास 75% नहीं, ऑलमोस्ट 80% भी हो सकता है, 85% भी हो सकता है, बट जो रूल कहता है कि 75% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जिससे फ्री फ्लोट का भी यहाँ पे चिंता कम होती है, अगर 75% से ऊपर होता है तो फ्री फ्लोट भी कम हो जाता है। तो सेबी के हिसाब से ये कहना है कि 75% से ऊपर ही प्रमोटर्स की होल्डिंग है अदानी ग्रुप में, तो जिसकी वजह से यहाँ पर अभी के टाइम सेबी ने कारण बताओ नोटिस भी भेजा। एंड आज के दिन यहाँ पे उस कारण बताओ नोटिस के वजह से अभी के टाइम अदानी ग्रुप की कुछ कंपनी जो है सेबी के साथ सेटलमेंट करने को तैयार है। मतलब जो भी यहाँ पे लास्ट टाइम एक और एंटिटी ने सेटलमेंट किया था अदानी ग्रुप एंड सेबी से, तो उस बेसिस पे अभी के टाइम अदानी ग्रुप भी यहाँ पे सेबी से सेटलमेंट करने को तैयार हो चुका है। सो डॉक्यूमेंट्स के अनुसार यहाँ पे मॉरिशस स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स, उसी के साथ साथ जिसके बारे में सेबी का आरोप है कि वह गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सेबी का कहना है कि ये जो कंपनी है ये विनोद अडानी की ही है, एंड ये कंपनी यहाँ पे FIs के रूप में बताई गई है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग में ही आती है, तो उस वजह से यहाँ पर अभी जो ये चीज़ें हुई है इनका अभी के टाइम हमें सेटलमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। जिनका फंड नॉर्मली अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम अभी के टाइम एक तो यहाँ पे इन्होंने 28 लाख रुपए की सेटलमेंट राशि का यहाँ पे प्रस्ताव रखा है। नॉर्मली यहाँ पर हमें अगर देखा जाए तो सेटलमेंट होते हुए ईजिली नज़र आ सकता है, और ये सेटलमेंट यहाँ पे कौन करने वाले हैं, विनोद अडानी करने वाले हैं सेबी के साथ। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, नॉर्मली यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेटलमेंट हमें होते हुए नज़र आएगा, उसके बाद सेबी की जो टोटल फाइनल रिपोर्ट है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेगी, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे सेटलमेंट वगैरह ये उसी में यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिंडनबर्ग का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब दी एंड होते हुए भी नज़र आ सकता है। इसको अब आगे और यहाँ पे बढ़ने के चांसेस जो है वो हमें कम देखने को मिल रहे हैं। बाकी उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद नॉर्मली कंपनी के फाइनेंशियल्स के हिसाब से सेटलमेंट के बाद क्लीन चिट तो हमें देखने को मिलेगी, और कुछ अगर देखा जाए तो सेटलमेंट का जो फंड है वो भी देना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फाइनेंशियल्स के हिसाब से स्टॉक्स हमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी अभी के टाइम देखिए नॉर्मली अदानी ग्रुप में अगर आप आते हैं तो इनका जो भी बिजनेस है वो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया उसके बाद बढ़ना ही बढ़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से इनके जो बिजनेस है वो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन जैसे ये कंपनियाँ क्या कर रही है, प्लांट लगा रही है। जब जैसे ही इनके प्लांट्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉफिट होता जाएगा, मार्जिन्स कंपनी के बेटर है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तो कंपनीज को बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, बट आने वाले टाइम में जब मार्जिन का सेटलमेंट होगा तो बड़े प्रॉफिट्स भी ये कंपनी हमें दिखा सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से मुझे कौन से स्टॉक बेटर लगते हैं, देखिए पहला तो है एनर्जी सॉल्यूशन पी रेशियो के हिसाब से भी। पावर की बात की जाए ये भी एक बेटर स्टॉक है। अदानी पोर्ट जो कि दोस्तों नॉर्मली एक सेफ स्टॉक है, अंबुजा सीमेंट जिसमें हम इसको भी हम यहाँ पे सेफ कह सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए अदानी ग्रीन लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से चीज़ें बेटर है, क्योंकि अभी के टाइम तो कंपनी की कैपेसिटी सिर्फ 10 GW की है। जब 50 GW की होगी तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट वगैरह बड़े लेवल्स पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से चीज़ें बेटर है, शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से आपको कंसोलिडेशन वॉलिटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए अभी के टाइम
एनर्जी सॉल्यूशन में भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टेप बाय स्टेप ये अगेन यहाँ पे 1200 की तरफ भी जाने की ये कोशिश हमें करते हुए नज़र आएगा, बट सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे होते हुए नज़र आएगी। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे अदानी ग्रुप के। Q3 के रिजल्ट्स में अदानी ग्रुप की मैक्सिमम कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़े और हमें बेटर होते हुए देखने को मिलेंगे, डेट थोड़ा और हमें कम होते हुए नज़र आने वाला है। लॉन्ग टर्म चीज़ें मुझे थोड़ी सही लग रही है, शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी हमें बनते हुए नज़र आएगी। बाकी इतना बड़ा मूव आया है तो थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आपका क्या व्यू है ग्रुप को लेके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके पास ग्रुप के कौन से स्टॉक्स है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों एक और मेरा व्यू यही है कि ATGL से यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए एक बेटर हो सकती हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू।